बहुत सारी पंचायतों का तमने, क्योंकि 15 पंचायतों का लोग हैं, बहुत अच्छी गल है। हूँ तमना या नहीं है कि हूँ कोई सरकार की तरफ हूँ, किसी पार्टी की तरफ हूँ, अपना एक मोहब्बत है अपना कौम कबीला के नाल। और यो जो राइट है जो तमना एक्सटेंड की होगी 2019 ने 5 अगस्त ना, यो बड़ो इंपॉर्टेंट है थारा लोगों वास्ते, जरा लोग के सदियों तू जंगलों में रहता हमें लगा हुआ और ईद जो है उन्होंने वो बसेरो है। और इसमें इस तू पहला कि हूँ शुरू करूँ महाजन साहब को इस्तकबाल करूँगा और थारा सारा जरा कमेटी का मेंबर हैं उसको इस्तकबाल करूँगा और हूँ समझूँगा कि जी गल ईद की जाएगी, चाहे भाई गोजरी में इस गलू करूँ कि तरह बिल्कुल ही सही नाल दिमाग में चली जाएंगी। तो फिर बाद में तम आपस में हम एक ही लोग हाँ, चाहे तम पहाड़ी में बोलो या गोजरी में बोलो, किसी भी जबान में बोलो, गल पहुँच जानी चाहिए। उर्दू में थोड़ी जी ना तबना भी औखी लगेगी, मिना भी थोड़ी जी मुश्किल ना लगे। तो गल यह है कि ऊँ इस सिलसिला ले गया जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर जानकारी मुहिम है, इस ले गया बहुत सारा इलाकों के बीच जा रहे हाँ, जिसमें हमने रियासी कवर कर लियो है, रजौरी आलमोस्ट उस साइड वो एरियो कवर कर लियो, पुंछ हूँ कल 4 दिनों वास्ते आऊँगो और मुझ सारा इलाका में जम्मू पूरा कवर कियो, सांबो कियो, कठुओ कियो, आलमोस्ट सारा। और दूसरा इलाका में जोड़ा ना हम जा रहे हैं। सब तो पहला तो हूँ दसना चाहूँ कि यो फॉरेस्ट राइट एक्ट आयो क्यों और इसकी ज़रूरत क्या पी ओयो यो के। सब तो पहला हूँ तुमने दसना चाहूँ कि जिसल अंग्रेज़ आयो, अंग्रेज़ ने क्यों कि यह धरती थारी नहीं या मारी धरती है, मतलब उसने क्यों कि हर चीज़ को मिलना टैक्स दियो, क्योंकि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह कंपनी पैसा वास्ते काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ पैसा वास्ते काम कर रहे थे लो, लिहाजा उसने डिमार्केशन की सारा फॉरेस्ट की। और यो क्यों कि जड़ा भी फॉरेस्ट के बीच लोग रहने लगा, या तो मिना इसको मुआवजो दियो, टैक्स दियो, ता तम रो तम कहा चारना जे टैक्स दियो, तम कहा चराई दियो, तम यो दियो, तम यो दियो, सारा कुछ जो है वो चलते रहो। उस तो बाद जिले हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उस तो बाद बहुत सारा कानून तब्दील होता रहा, लेकिन कुछ कानून जोड़ा है वे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जोड़ा है वे रह गए हैं। उसमें ये हो कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जरा चाहे कि इस इलाका में जो जंगल है थारो वो महफूज रहना चाहिए। फोन यार फोन के वे चाहे कि भाई जंगल नहीं कपियो जाना चाहिए, हम ही यह चाहवा कि जंगल नहीं कपियो जाना चाहिए, जंगल की हिफाजत होनी चाहिए। उन्होंने वे सुप्रीम कोर्ट में चले गया, उन्होंने क्योंकि जंगल में जड़ा लोग भी बैठा हुए इलीगली अनलॉफुली उन्होंने बाहर कढ़ियो जाए, उन्होंने बाहर कढ़ियो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सब ने बाहर कढ़ दियो जड़ा जंगल के बीच बैठा हुए। उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट आने हो, उसको नाम थो फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट या फॉरेस्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2008 में इसका कानून बन गया और ये लागू हो गया पूरा हिंदुस्तान में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस थो जिसकी वजह से जो भी कानून आवे थे लोगों को उसमें लिखे जाए थो कि जम्मू कश्मीर का लोग चाहेंगे ता यो उत लगे वो, तो इत किसी वजह नाल यो लग नहीं सको। वे उस वेले का हकम जाने या लोग जाने हमना इसके नाल नहीं हूँ तमना, इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 ना बहुत सारा कानून हिंदुस्तान ने एक्सटेंड किया जम्मू एंड कश्मीर ना माँ, जिनमें खास तौर के ऊपर फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके नाल नाल SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट और उसके नाल नाल दूसरा कई एक्ट जड़ा है थारा वास्ते एक्सटेंड किया। उसके बीच हूँ थारा नाल फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर गल करूँगो और फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर हम रंगा थोड़ा जो SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट को गल करांगा, थोड़ी जी गल करांगा हम कंजर्वेशन एक्ट 1980 की कि वो किस तरह तमना फायदा दे सके तम लोग जरा सदियाँ तो जंगलों में बैठा हुए। ठीक है, हूँ यो है कि यो एक्ट जो है इसको ना तमने जिस तरह के पहला दस्यो है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है ना जी, और दस्यो के 2019 में यो लागू हो गया। हूँ यो तमना दे के लगा वो के दे वो, मतलब सब तो पहला तमने पूछेगा कि इसके जरिए मिलेगा के तम ले सकेगा। नंबर एक तमना मिलेगा जी ओनरशिप राइट मतलब मालकाना हकूक जिस जमीन के ऊपर तम रें लगा हुआ उसके ऊपर मिलेगा मालकाना हकूक, बेचण को नहीं, मालकाना हकूक बेचण वालों मालकाना हकूक नहीं, मतलब मालक बन का हकूक, लीज करने का हकूक नहीं, मालक बन का हकूक। जिस तरह के इसलिए मालक सरकार है या मालक जंगलात है, लेकिन तमना उसकी वजह नाल तमना मिलेगा मालकाना हकूक के नाल नाल तमना मिलेगा कल्टीवेशन राइट, ठीक है जी, तमना मिलेगा
जिमी बाड़ी गो, उसके पीछे हल चाण चलाण गो, उसमें बूटा लाण गो, उसमें सारा कहीं करन गो, तमना राइट मिला गो। ठीक है जी। तीसरो तमना इंपॉर्टेंट राइट मिला गो रिहैबिलिटेशन राइट। रिहैबिलिटेशन राइट किया जी कि तमना अगर उस ग्रां तू कोई कड है फॉरेस्ट वाला के नहीं जी हमने सेंचुरी बनानी है, हमने इत शेर रखना है, हमने इत गिदड़ रखना है, पालना है, कुछ भी जो भी सरकार चाहेगी, कदे भी तमना उतू के किसी जगह तू कटे जाओ सड़क थारा रास्ता बिचू निकले लगी भी तमना उतू कटनो निकलनो पै रही है, उस सूरत में तमना रिहैबिलिटेट किए जाओ दूसरी जगह के बीच यो रिहैबिलिटेशन भी तमना राइट दे लगो। चौथो राइट जो तमना दे लगो प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन राइट मतलब तमना हिफाजत, इसलिए थोड़ी जंगल की जड़ी हिफाजत करे थो वो राखो करे थो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे थो, लेकिन यो एक्ट तमना प्रोवाइड करे लगो प्रोटेक्शन राइट्स भी, राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू अच्छा पंजमो राइट यो करे लगो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन रीजनरेशन चलो कंजर्वेशन चलो कंजर्वेशन को राइट हो गयो के तमने इसको तमने इसना बचा करना प्रोटेक्शन अलग गल है, मतलब तम उसना जंगल ना ढक सके, तम जंगल का राखा है लेकिन तम बचा करना वाला भी है, बचानो भी है जंगल। ठीक है ना। उसके नाल नाल तमने रीजनरेट करना, रीजनरेट को मतलब है कि तमना जेड़ी जिमी लग गई है उसके ऊपर जंगल दोबारा तू खड़ो करना है, क्योंकि ये उन थारो है, मतलब ये उन सरकार को जंगल नहीं, उन थारो जंगल है, लेकिन तमने रीजनरेट करना है, तमने दोबारा तू बूटा लाना है, दोबारा तू खड़ा करना है जंगल, इस तरह नाल खाली जगह जी है ना तमने नहीं रखनी। हूँ यो दसनो है कि तमना के जो यो राइट है, मतलब इसके अलावा बहुत सारा राइट्स हैं, मतलब ये मैं मेन दस छड़िया क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी। उस तो बाद तमना हूँ दसना चाहूँ कि ये जड़ी जिमी है थारे को है वह किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की जिमी होनी चाहिए, जिमी होनी चाहिए जंगलात की, महकमा जंगलात की, जंगल है कि नहीं है। ठीक है ना। महकमा जंगलात की जिमी जिस जड़ी फिर है, मतलब दूसरो है डीम्ड फॉरेस्ट, जिसना कहें कि देखण में ही तमना लगनो चाहिए कि यो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है मतलब जंगल है, जंगल दिसता ही पता लगना चाहिए जंगल है, वो किसे सुप्रीम कोर्ट में कोई लोग गया कि डिफाइन करो जंगल की है फॉरेस्ट की है, क्योंकि एक्ट के भी लिखे हुआ फॉरेस्ट लैंड नॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड, मतलब कि फॉरेस्ट जंगलात की जिमी ना जंगलात महकमा की जिमी। फिर जिसना किधे एंट्री की हुई है सरकार ने, मतलब लिखे हुआ किस्म जंगल जाड़ गैर मुमकिन जंगल, इस तरह को कोई भी रकबो वैगो उसको वो जुड़ो है वो इसके तहत आवे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसना वाजे की हुआ कि जिस इलाका ना तम जंगल कहें, जिस लोकेलिटी ना तम जंगल कहें या जंगल आरू दिस है या जिसकी कोई एंट्री भी जंगल का नाम नाल हुई है वह ज़मीन इसके थल्ले आ सके। हूँ यो है कि कौन कौन ले सकें, मतलब तम कहेंगा कि वीडियो साहब को ले, महाजन साहब को ले कल चले जाएंगा, मीना लाटकर जी वो फॉरेस्ट को राइट आ गयो है ना, ले वो सके या तो वो उसके ऊपर बैठो हुआ होना चाहिए, उस जिमी के ऊपर बैठो हुआ होना चाहिए, उसकी राय शुत होनी चाहिए, वो रहते होना चाहिए, या अगर वो कितने थोड़ी बहुत मालकी है उसके बीच रह लगो वो, उसके भी रह लगो वो तो, लेकिन उसने के करना है कि मतलब उसको गुजर बसर उसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि तमने बड़ी बड़ी इमारत बना छुड़ेगा, मॉल बना छुड़ेगा, जैसा कि कुछ इलाकों का भी बने हुए हैं कि जंगल की जिमी है तो फिर रीसेल की है तो फिर बड़ा बड़ा मॉल बनाए, वो नहीं है। सरकार कह लगी भी तमना कि तमना आम जिमी दियांगा लेकिन थारी गुजर बसर वस्ते, यानी है कि मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई जिमी चले लगी हुई तो जंगल वाला दें लगाओ और तम ले लगाओ ना, तम बैठा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर, तम अगर थोड़ी बहुत थारे को मालकी भी है लेकिन तमने ये साबित करना है कि गुजर बसर थारी जड़ी है जंगल के ऊपर है, थारी मालकी को के नाल उसना कोई दिक्कत नहीं आती है लगी हुई। ये 2012 तो पहला जिले थो तो उस लेते कहें था लगाओ कि जो जंगल में रहे, लेकिन 2012 में अमेंडमेंट करके इन्होंने क्योंकि जो जंगल में नहीं रहते लेकिन बार भी रह लगो वो जंगल के ऊपर मुनसर है। दूसरों है इसके बीच बोनाफाइड लाइवलीहुड यू की है जी, बोनाफाइड लाइवलीहुड है कि वो चीज़ वो मतलब एक तरह को वो थारो
पूरा को पूरा दारोमदार इसके ऊपर है। अगर या ना वह तम भुखा मर जाए, या ना वह तम मंगण पर मजबूर हो जाए, या ना वह थारी जिंदगी जड़ी है मुश्किल हो जाए, उसना कहें कि बोना फाइड लाइवलीहुड के उसके बगैर तुम जी नहीं सकता। अगर थारा तमना जंगल बिचू काट दी तो जाए, या जंगल की जिमी जड़ी तम ऑन करें लगा उसके बिचू काट दी तो जाए, तो इसको मतलब ये हो कि तम जिंदा नहीं रह सकता। और सरकार ने इसे गलू थारा हकूक जड़े हैं उसना तस्लीम की हो, रिकगनाइजेशन तमना रिकगनाइज की होगी, तम जंगल में रहें लगा हुआ, तमना हकूक दें लगा, तम रहें, तम उसना पालो, तम उसना आगे बताओ, ठीक है ना। यो ज़रूरी है इसमें, अगर तम जिमी पर रहने लगा हुआ और थारे को तम उसका ऊपर गुजर बसर करने लगा हुआ और थारो गुजारो भी नहीं उसके बगैर, ये त्रै चार चीज़ जड़ी हैं वे तमने याद रखनी है। यही इस एक्ट ना वो कह गो कोई हूँ मुलाजम है जी मिना मिल सके, नहीं कोई कह गो जी कोई और काम करे लगो बड़ा लेवल के ऊपर थे वो कह गो उन इनकम टैक्स भी रिटर्न पर है लगो कह लगो मैंने जंगल की जिमी पर भी बसा लो, वह गल नहीं इसके बीच हो सकती, ठीक है ना। ये सिलसिला नहीं है, ये सिर्फ गुजर बसर थारा जरा लोग जो लोग जिमी बाड़ी करें लगा हुआ इसके ऊपर और करें लगा हुआ काम छोटो मोटो जिसके ऊपर माल चोखर चाड़ने लगा हुआ या वो यो करें लगा हुआ, यो इसके वास्ते है थारा वास्ते के तम कहेंगा कल किसी भी MLA साहब को ले चले जाएगा, BDO साहब को ले चले जाएगा कि यह चीज़ जड़ी है मिन्ना इस तरह नाल इसके ऊपर दियो, वह नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तम बैठा हुआ होना चाहिए जड़ी जिमी के ऊपर, हूँ मिलेगी किस किस ना, मिलेगी किस किस ना, STs ना, शेड्यूल ट्राइब्स ना, शेड्यूल ट्राइब्स ना, शेड्यूल ट्राइब में गुजर बकरवाल गद्दी सिपी गारा बोट बेदा जंगपा वो सारा था शीना दर्द सारा ट्राइब है उसमें इत मेनली जड़े हैं गुजर बकरवाल हैं उसके बीच आवें उन्होंने मिलेगी, ठीक है जी। दूसरा नंबर के ऊपर मिलेगी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स ना, जड़ा और लोग बाकी कौम कबीला गए वे जड़ा हैं वे अगर वेंगा फॉरेस्ट के ऊपर बैठा हुआ उन्होंने भी यह जिमी मिलेगी, लेकिन दोवों वास्ते थोड़ो सरकार ने बक बक की हो कि ST जो है उसना चाहिए कि वो जंगलात के ऊपर वह 13 दिसंबर 2005 तू पहला, 13 दिसंबर मतलब नवंबर 2005 तू पहला वह दो उस पिछा फिर तम 96 तू 95 तू 97 तू वो होना चाहिए कि 2005 तू पहला उठ बैठो वो होना चाहिए 13 दिसंबर तू पहला, उसके को सबूत भी होना चाहिए, सबूत के वेंगा वे हूँ दसूँ। जड़ा अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं दूजी कम्युनिटी का लोग हैं जड़ा लोग हैं जड़ा अदर जड़ा दूसरा है वे रहना चाहिए त्रै जनरेशन तू है ना। उसमें कई जगह लोग कहने लगा 75 साल तू रहता होना चाहिए, नहीं कानून में सिर्फ त्रै जनरेशन, जितनी क्विकली थारी त्रै जनरेशन होने लगी इतनी जल्दी होने लगी, जितनी तावला थारी त्रै जनरेशन होने लगी कि थारा दादो त्रै था लोगो बाप ने क्लेम नहीं भरे तो पोतो भरे लोगो, आइए गल तमना मुख्तसर जी है वह समझ में आनी चाहिए कि त्रै पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आलो भरे वो हाँ कि फिर पांच पीढ़ी रहने लगी 10 पीढ़ी रहने लगी फिर कोई अच्छा हूँ यो लागू किस तरह वह उन्हें मतलब तमना सारा ख्वाब तो पता लग गया हूँ तमना यो समझना कि तमने लागू किस तरह करवाना है इसना। नहीं नहीं सर आवे सारी चीज़ आ जाएंगी सब चीज़ आ जाएगी, तमने लागू किस तरह कराना है, लागू किस तरह कराना अपना इलाका में अपना उसमें उस वास्ते सरकार कह लगी हुई कि पहला जितना भी कानून बने तमना कहें डिविजनल कमिश्नर साहब को दरखास्त दो, तमना कहेंगे DC साहब को दरखास्त दो, तमना कहेंगे तहसीलदार को दरखास्त दो या मिनिस्टर को दरखास्त दो, इसमें ये कहने लगा ना तमने किस जानो अपना ग्राम को ले ग्राम को ले, इसमें सब तो पहला है ग्राम सभा, ग्राम सभा का तमना पता लग गया वैगो हूँ थोड़ी कि ग्राम सभा हो गई थारा जेड़ा 18 साल तो ऊपर बच्चा है नॉट वोटर, कई लोग कहना ना कि वोटर होने चाहिए ना कानून में लिखे हुआ 18 ईयर प्लस 18 साल तो ऊपर का लोग जेड़ा पंचायत थारी है डिमार्केटेड जिसमें थारो पंच साहब सुने गए पंच साहब जो है वो जिस तरह BDO साहब है पंचायत राज के तहत है पंचायत डिपार्टमेंट के तहत है यो ट्राइबल अफेयर के तहत है, लेकिन क्योंकि ट्राइबल अफेयर को नेटवर्क नहीं है इस गलों इन्होंने यो काम जो है पंचायत राज ने दिता है कि ट्राइबल अफेयर को काम ही तम करेगा कि तमने कमेटी जड़ी बनानी है। ग्राम सभा की कराई ग्राम सभा सब तो इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसमें सब तो ज़्यादा ताकतवर केड़ी कमेटी है ग्राम का लोग पंचायत का लोग, ठीक है ना।
पंचायत का लोग जड़ा है वे बनावेगा थारी ग्राम सभा के बाद एक कमेटी जिसना के फॉरेस्ट राइट कमेटी जिड़ा के तम इत लोग बैठा हुए ये तम ने ग्राम ने बनाए हुए तम ग्राम का बिहाफ करें ग्राम की कंट के ऊपर काम करने लगाओ तम आप उधरा कोई काम नहीं करता लगा उन तम यो उन तम ना उन दसना चाहूँ कि ग्राम सभा जिसल 50% लोग उत बैठा हुआगा फॉरेस्ट डिवेलर और दूसरा भी जिड़ा भी लोग उस पंचायत का हैं टोटल 18 साल तो ऊपर उसका पिछू 50% अगर उत बैठा हुआगा और वे कहेंगा कि भाई तम इसमें कमेटी बनाओ कमेटी किस तरह बने कि उसमें अगर 10 to 15 लोग हैं हम लेके चलना 15 लोग हैं 15 में 2/3 मतलब 10 ST होना चाहिए कटू काट कम से कम और ज़्यादा अगर गाँव ग्राम ही पूरा है तो वो ST हो जाए और इस 15 में 5 औरत होनी चाहिए ठीक है वो ST में भी हुए या नॉन ST में भी हुए तुमने नॉमिनेट करना है कि भाई ग्राम बैठो गया उसने क्यों जी इसना इरफान साहब ना दूसरा ने तायद की तो उन्हें लिखियो जड़ो थारो ग्राम सेवक है या VLW थारा इलाका हो या पंचायत को कोई बंदो है वो आ गया कि नोटिस लावे वो कि ग्राम सभा इकट्ठी हुआ है जो तरीको है मतलब हूँ तुमने के की हो वो नहीं जान तो के की हो लेकिन हूँ तुमने दसो कानून के क्या लगो उस हिसाब ना दसो फिर तुमने जल्द कमेटी बना ली ना कमेटी का हूँ तुमने या कमेटी 15 बंदा ही बन गई इन्होंने अपनों चेयरमैन चुनना है अपनों जो है अपनों चेयरमैन चुनो अपनों सैकटरी चुनो खुद ही 15 लोगों ने इन्हें 15 जल्द चुन लियो उस तो बाद इन्हों काम के वह वो तम लोग क्योंकि कमेटियाँ बैठा हुए हूँ तुमने गौर नाल सुनना कि थारो के काम है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट में देन में इन लोगों की मदद करना थारो के ना तमने के करना है सब तू पहला पहलो काम तमने एक जड़ी अगली कमेटी है ना सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल कमेटी उसना एक लेटर करना है कि हमना इस ग्राम को जिस ग्राम के भी थारे पंचायत को इसको रिकॉर्ड दियो जो थारो डिमार्केटेड फॉरेस्ट है जो भी थारे को कागज़ हैं वे हमना दियो फोटो स्टेट को चार्जेस कौन चाहे वो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट क्योंकि इन्होंने कर गया तो उन्होंने देना है उन्होंने को पैसा लेना है ठीक है जी ये जो है तमना उतू रिकॉर्ड मिले वो ना मिले तो हमने अपना काम जारी रखना उस चिट्ठी वह जी चिट्ठी है वह हमने एक तरह की डमी चिट्ठी बनाई है बाकी स्टेटा ने देखा कि उसके भी के चिट्ठी होनी चाहिए वह चिट्ठी तो हम मेरे को ले सकें हमने उसना नेट के ऊपर भी रखे हुए हैं कि वह चिट्ठी के वहगी उसके लिए तमने साइन करना इन्होंने देना है और रसीद लेनी है हर चीज़ की तमने कमेटी ने रसीद लेनी है हर एक चीज़ इत भी एक कापी रखनी है वो देगा उसके को रसीद करा के आननी है और उसमें एक तमने मेंटेन करना रजिस्टर कि फलान दड़ाइया चिट्ठी लिखी फलान दड़ाइया लिखी उसमें जैसा तम तहरीर लिखे ना उसी तरह लिखनी है तम तो सारा मायर महंगा इसमें कोई ना कोई तो सब लोगों ने पता है कि तहरीर किस तरह लिखे कि 15 तारीख ना हमने चिट्ठी लिख दी थी उन तमने के करना है कि ग्राम सभा ने फिर एक दफ़ा ना तकलीफ देनी है कमेटी ने उसको लोग पूछना है जी हम क्लेम लिया मतलब BDO साहब ने तमना नहीं कहना क्लेम लियो थारी जी FRC कमेटी है उसने ग्रां ना पूछना हम क्लेम लेना शुरू करा वे तमना अलो कर छेगा कि क्लेम उसकी पूरी कार्रवाई लिखो कि ग्रां ने हमना अलो किया है क्लेम लेन वास्ते दावा लेन वास्ते फॉरेस्ट की जमीन का आ गई ना दूसरों काम थारो के है कि पहला तुमने एक रजिस्टर बनाना है जिसमें सारी कार्रवाई लिखनी है एक तुमने चिट्ठी लिखनी है सब डिविजनल ना वाह चिट्ठी हम देंगे तुम मोर बनानी है थारा चेयरमैन की और सेक्रेटरी ठीक है जी वह कई जगह सरकार बना के दे तो तुम अगर आपे बनाना चाहें तो कोई उस तो बाद तुमने के करना है कि अपना काम शुरू करना है तुमने एक नोटिफिकेशन करना है नोटिफिकेशन उसकी भी तुमने एक डमी तमना दे देंगा नोटिफिकेशन करना है विद दी इन्फॉर्मेशन अगला ना अगली कमेटी ने दस छोड़ना हमने नोटिफिकेशन कर दी तो उसना भी एक कापी पेज छोड़नी उस तो रसीद ले लेनी कि हम जी फलान डेट ना पंचायत कारमा बैस के दावा ले लगावा या किसी जगह ना ले ले लगा या 2 to 4 या 3 to 5 2 महीना एक्ट के लगो 3 महीने तक तुम ले सकें दावा उस तो बाद तुम एक्सटेंड भी कर सकें अगर ग्राम सभा चाहे तुम ना कि भाई तुम दावा जड़ा है वे 1 महीना और रुक जाओ मतलब कोई लोग नहीं आया हुआ या कुछ तो तुम ले सकें ठीक है जी तुमने दावा लेना है दावा लेने तो बाद तुमने क्या करना है रसीद देनी है रिसिप्ट किस ना हर आदमी ना जो आवे लगो और थारे को दावो जमा करावे उसका उसना रसीद देनी है सारी जड़ी थारी कमेटी है इन्होंने बैस के 2 बंदा जो बैठा होगा थारा सेक्रेटरी की मोर वहगी और प्रेसिडेंट की क्या हमने फलान डेट ना रसीद और उसना रजिस्टर में लिखना है कि फलानो बंदो आज आयो उसने मतलब आज है ना आज के डेट है जी 9 तारीख ना
नाउन दो ना जी इरफान साहब आया, उसने अपना दावा जमा करा दी तो ठीक है ना, और उसके नाल इतना कागज लगा हुआ था, तुमने लिख दे मतलब रजिस्टर मेंटेन करना था, तुमने रजिस्टर मेंटेन करना है क्योंकि कल कोर्ट वैगो, कल अगली कमेटी तुमने बुलावेगी उसमें तुमने दिक्कत वैगी, इस गलो तुमने ये जो है एक तो तुमने दावा लेना है तो रसीद देनी है, रसीद देने तो बाद क्या करना है इसकी पड़ताल करनी है, दावा की पड़ताल करनी है, देखना है कि कागज़ पूरा लगा हुए कि नहीं लगा हुआ, कागज़ जरा अगर दसूँगा कागज़ वे कागज़ नाल लगा हुए कि नहीं लगा हुआ, उस तो बाद तुमने क्या करना एक और चिट्ठी करनी है किसना अगली कमेटी ना, अगली कमेटी को थारो SDM है या ADC है, SDM ना, SDM साहब ना एज चेयरमैन नॉट SDM ठीक है ना, चेयरमैन अगली कमेटी जी है ना सब डिस्ट्रिक्ट लैवल या सब डिवीजन लैवल कमेटी जी भी है उसना तुमने करना है एज चेयरमैन, चेयरमैन सब डिवीजन लैवल कमेटी जी है उसना तुमने चिट्ठी करनी है, चिट्ठी की भी आम तुमना एक तरह की डम्मी चिट्ठी तुमना दे देंगे, उसमें तुमने दसना है कि आम निशानदेही ना जा रहे हैं, निशानदेही ना जा रहे हैं, लोगों ने अपना दावा दे दिता है आम जाएंगे मौका पर देखने वास्ते कि यो सही कह लगो कि इसका हेठ इतनी जिम्मी है या नहीं है, उसना तुमने बोलना है कि तम अपना जी बंदा भेजो और जड़ी अगली कमेटी है वह तमना भेजेगी पटवारी थारो गार्ड थारा VLW साहब भी हो सके से त्रै लोग उन्हों का आ गया, अगर वे उस डेट ना नहीं आता तम के करेंगे तम अपनी निशानदेही कर लेंगे, लेकिन जरा तम कमेटी का मेंबर है तमने अपनों जिले दावो आयो तमने बाहर निकलो इसमें उस पर साइन नहीं करना, तमने कहना आ तम देख लियो बाकी कमेटी वाला, चेयरमैन साहब भी बाहर रहेगा उसके कि भाई हूँ चेयरमैन हाँ मगर तू तम देखो, यह कमेटी जी है ना ग्रां का बिहाफ पर काम करेगी ठीक है ना, तमने एक दफ़ा उन्होंने कह छोड़ो तम गया निशानदेही कर, निशानदेही वेल के वैगूत निशानदेही वेल तम उत खड़िया हुआ वेंगा, तमने अगला बंदा ना भी दसना है कि भाई हम निशानदेही ना आ रहे हैं फलान तैड़ा ना पूज रहे हैं थारे को, जिसे तम पूज जाएगा ना उत तो बंदो खड़ो होना चाहिए जरा कागज़ लाया में उसने नाल वे नाल रखे हुआ होना चाहिए, उसने अपनी जिमी की निशानदेही थारे को करानी है कि यो एरियो है वो एरियो तमना दसना है डिमार्केट करके दसना कि यो एरियो है मेरा हूँ इसका भी करूँ के लगू, थारा सारा कागजा की पड़ताल मौका के ऊपर कौन करेगी थारी FRC कमेटी और तुरना पड़ताल करने तो बाद वे आ जाएगा वापस, अगर पटवारी साहब आया पटवारी साहब ना कोई ऑब्जेक्शन है गार्ड ना कोई ऑब्जेक्शन है लिख है दे वो इस तरह जबानी कोई ऑब्जेक्शन इसका इसमें नहीं मने जा सके वो साइन नहीं करते, अगर वो दो दफ़ा साइन नहीं करते तो थारो दावो ग्राम सभा की तरफ चले गए उसना फिर दोबारा पटवारी साहब रिव्यू नहीं कर सकते ना कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके ठीक है ना, दो दफ़ा तुमने उसना मौको देना है, अगर वो कोई भी चीज़ लिखा लगो किसी भी बंदा के बारे में उसने को कि तू क्लैरिफाई कर, दावो नहीं वापस दे छोड़नो दावो नहीं जाकर मारनो उसका, तुमने एक दफ़ा दावो ले लियो ना यो ऊन थारो है यो उस बंदा को नहीं, दावो जिले तुमने पार छोड़ो उस तो बाद तुम उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता जिले थोड़ी ग्राम सभा तो निकल गयो, उस बाद तुम कहेंगे ना या मेरी नतो या भी थी मैं इंगा भी जानो थोंगा भी वो नहीं चल सकता ठीक है जी, इतोड़ी तुमने समझ आ गयो ना इतनी यह गल समझ आ गई ना मेरी, अच्छा उस तो बाद जनाब तुमने क्या करना है कि ये दावा सारा इकट्ठा करना है और एक दिन फिर ग्राम सभा ने दावा देनी है कि तुम आ जाओ ग्राम का लोग आवेगा उन्होंने दसो जी मारे को 25 दावा वसूल होए हैं फलां को इतना दावो है फलां को इतना दावो है फलां को इतना दावो है इस तरह से कागज़ लगाएं तुम अप्रूव करें आम भेजागा, तो उन्होंने अप्रूव की हो तुमने करारदाद लिखी थल्ले साइन कराया और भेज दी थी तुमने भी साइन किया सारो कुछ कि हमने मुकावर तब मुकावर जाएगा उसलिए रिपोर्ट भी लिखेगा कि हमने सारा दावा दुरुस्त पाया या फलां का दावा में या जी कमी थी उसने इन्फॉर्म की होगी तमना कोई भी चीज़ कमी पैगी तमने उसने बुला के कहना है कि भाई तेरी यह दावा में यह कमी है तो यह पूरी करनी जरा दावा कंप्लीट पेगा फिर तमने किसना देना है सब डिवीजनल लैवल सब डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी में जिसमें SDM साहब हैं उसका चेयरमैन उसके को आननी है रसीद रसीद ही तो ही बना के ले जानी है ठीक है, हूँ तमने कहूँगो तम जरा दावा भरने वाला लोग के तमने त्रै त्रै दावा त्रै कापी कर लियो उसकी एक तो असली कापी इन्हें दियो कि तुम अगह भेजो दूसरी कापी जी है वह इन्हें ना कहो कि तुम इत रखो तीसरी कापी तुम अपने को रखो रसीद के नाल ठीक है ना, ठीक है ना त्रै कापी करवा के रखो बाद में ये कहेंगे मेरे को फोटो स्टेट का चार्जिज नहीं है इतना दावा इकट्ठा हो गया कि कौन फोटो स्टेट कराओ, पहला तो ही त्रै कापी जी है बना के क्योंकि हमने बहुत सारा लोग जरा है फॉरेस्ट राइट के ऊपर इंडिया में काम कर रहे हैं, रात भी मैं एक चैनल वास्ते जो है वो इंटरव्यू की हो एक मारा राव साहब हैं जरा उड़ीसा में इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट में अगे अगे था
आम पब्लिक की तरफों, सरकार तो अग्गे अग्गे है ही है और आम पब्लिक की तरफों उन्होंने बहुत सारा और बहुत सारी जगह तो हमने हमने लोगों को पूछे। फिर यह कमेटी एक नक्शो भी बनावे एवं पेतलो जो वो नहीं तम सही नक्शे तो कितु बनावेगा, एक तमना नक्शो भी बनाना वह ये थारो ग्रां है ठीक है, ये थारो ग्रां है ठीक है ना, इसमें इत 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 इसरा लोग नहीं लगाओ इसरा ठीक है ना, ठीक है इन्हें जमीन है किसे ही आया किसे ही आया किसे इसना नंबरिंग देनी है ठीक है ना, तुमने देती एक दो त्रै चार पाँच छः सत्त आठ जिस तरह ये तुमने एक बनानी लिस्ट उर्दू में बनाओ अंग्रेजी में बनाओ, जिस तरह सीरियल नंबर वन के ऊपर है इरफान साहब इसकी है जी नंबर यो सीरियल नंबर वन हो गए इनकी यह जमीन है जी एक लिखी हुआ, अगर यह इसकी त्रै जगह एक लिखी हुआ इसको मतलब इसकी त्रै जगह जमीन है एक माँ। फिर तुमने इस तरह लिखना है कि कोई सतारा कनाल है अप्रोक्सीमेट सतारा कनाल छः मरला ठीक है ना, दो दो नंबर की जमी इत लिखनी है त्रै की इत लिखनी है चार की इत लिखनी है, बड़ो सारो एक चार्ट ले गया उसमें तुमने बना देना है बाद में वे खुद जरीब मार के दिखेगा, लेकिन तुमने एक नक्शे जोड़ो है वो ड्रा करना है उसको वो भी नाल लाना है जिसे तुम जिसल तुम देंगा क्लेम उन्हें देंगा एक 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 आइडिया तो तुमने होना चाहिए ना ग्राम में किस किस को क्लेम है और कित कित है, मतलब एक अंदाजो तो तुमने होना चाहिए ना कि भाई ग्राम में कितना लोग हैं और किस किस को क्लेम है ठीक है ना। तो ये नक्शे जो है नक्शे भी बनाना जरूरी है, कोई लोग पटवारियों को बनावे लगा बारगी इलाका में कि बीच थारो रस्तो भी है वो तो आ गए कम्युनिटी राइट्स में, थारो उत पानी है वो कम्युनिटी राइट्स में, थारो उत जो जो कब्रिस्तान है वो कम्युनिटी हूँ आम आ जाएगा जी सीधा थारे को मतलब तुम्हें पता लग गया ना इस तो बाद दावा चले गया तुमने कख नहीं करना, अगली कमेटी जी है अगर उसने कोई एतराज़ वैगो वे तुमना इन्फॉर्म करेंगे थारा इन्फॉर्म करने के बजाय बगैर इसने रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस कमेटी में एस टी का त्रै लोग वेंगा और दूसरा जड़ा है जैसे एस डी एम साहब हैं ए डी सी साहब हैं और रेंजर साहब हैं और बी डी ओ साहब जड़ा है उसमें मैंबर वेंगा और त्रै थारा एस टी का वे होंगे, उन्होंने कोई भी चीज़ है वे तुमना वापस भेजेंगे बोलेंगे कि इसने करेक्ट करके भेजो, मतलब तुमना वे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं रिजेक्ट को पावर जो है डी सी को है तो थारा दावा रिजेक्ट नहीं हुई ऑब्जेक्शन कर सकें या रिकमेंड कर सकें आ गया जी ठीक है इसको दियो या इसमें यह चीज़ कमी है इसना पूरी करो ठीक है, जब तुम पूरी कर लेंगे उस तुम ताकतवर हो जाएगा और तुमने थारो दावा जोड़ो चले गए। हूँ इस पॉइंट के ऊपर हम तुमने दसना चाहूँ कि हिंदुस्तान में 13 लाख दावा जोड़ा है रिजेक्ट हो गया, फिर कोई एन जी ओ चली गई उसने क्योंकि ये जोड़ा रिजेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इन्होंने तो बाहर कटो, लेकिन उन्होंने क्योंकि बाहर कटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर गई एक और अपील ले गया उसने यू आर्डर स्टे करा छोड़ो कि भाई तुम बाहर नहीं कट सकता क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन में इंडिजीनियस कम्युनिटी का राइट्स ना ले गए लिखा दिता हुआ कि हम इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की हिफाजत करांगा और हम उसना नहीं करने लगा, फिलहाल उन्होंने स्टे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टे करवा दिता हुआ कि तम उसके, लेकिन तुमने दावा पार गया अपने को रसीद रखनी है और दावा भी सचो भरना है और तब सारा ग्रां ना पता है थारे को कितनी जमीन है फॉरेस्ट में है कि नहीं है सारा ग्रां ना सारा लोगों ना पता हुआ है क्यों इसे गलों ये ग्रां तू अगर कोई और जा